अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ़ ट्रेंड्स। और आज आप लोगों को ओलिव नेचुरल की प्रोडक्ट्स के रिव्यू के बारे में पता चलेगा कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं और इनका रिज़ल्ट कैसा है, प्राइसेस क्या हैं, और इनके सीरम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप लोगों को ग्लूटाथायोन सीरम, इसके अलावा आप लोगों को जो है ये इससे 1% रेटिनॉल सीरम जो है इनका बहुत ही अच्छा सीरम है, और 10% नियासिनामाइड और प्लस जिंक 1% सीरम के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ओलिव नेचुरल बेसिकली जो है वो पाकिस्तानी कंपनी है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा से ऑर्डर किया इनके सीरम्स। इनकी मेरे पास इनकी जो है वो पैकेजिंग नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाले सीरम्स हैं। तकरीबन ये जो है हाफ से ज़्यादा जो है यूज़ हो चुके हैं और बहुत कम रहेंगे। स्पेशली जो रेटिनोल है वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, साथ में नियासिनामाइड जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेटिनॉल सीरम के बारे में। रेटिनॉल 1% रेटिनॉल सीरम जो है ये वाटर बेस्ड सीरम, आप लोगों को लिखा आ रहा होगा, एंटी ऑक्सीडेंट है, रिड्यूस रिंकल्स, टाइटन एंड टोन्स स्किन। रेटिनॉल आप लोग यूँ समझ लें कि ये जो है स्किन लविंग इंग्रेडिएंट है, और आप लोगों को इस सीरम को जो है अपने उसमें ज़रूर ऐड करना चाहिए स्किन केयर इंग्रेडिएंट में, स्पेशली आफ्टर 20 और स्पेशली या फिर 25 के बाद तो लाजमी आप लोगों को ऐड कर लेना चाहिए। रेटिनॉल जो है वो करता क्या है, बेसिकली हमारे स्किन के साथ इंक्रीज स्किन सेल प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से ये हेल्प अनक्लॉग पोर्स, एक्सफोलिएट करता है स्किन को, कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो स्किन में फाइन लाइंस हैं या फिर जो रिंकल्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन को एक फ्रेश और प्लम्प सी लुक दे देता है। और ये इस काम कब बेस्ट करेगा, जब अब आप लोग अब इसको डेली यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको बिल्कुल स्टार्ट में अपनी स्किन केयर इंग्रेडिएंट में शामिल करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि इसे एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करें, यानी कि एक दिन आप लोग कुछ और यूज़ कर लें सीरम, तो उससे अगले दिन आप लोग जो है इसको रेटिनॉल को यूज़ करें, और ये इसके बेस्ट रिजल्ट होंगे अगर आप लोग इसे नाइट टाइम यूज़ करें। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने साथ इसको मॉइस्चराइज़र को लाजमी ऐड करना है, कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इनका मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर आपने रेटिनॉल सीरम लगाना है और फिर आपने दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगाना है। और इसकी बहुत कम क्वान्टिटी यूज़ करनी होती है, स्पेशली पी साइज अमाउंट यूज़ करनी होती है, या फिर 2-3 ड्रॉप्स आप लोग यूज़ समझ लें। ये अगर आप लोग रेटिनॉल को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को जो विटामिन सी सीरम, एएचए बीएचए सीरम जो है इनको अवॉइड करना होगा। तो इसकी जो है वो थिकनेस कैसी है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल वाटर बेस्ड सीरम है और आपकी स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने ऊपर कुछ लगाया भी हुआ है। लेकिन इसके रिज़ल्ट जो है वो कमाल के रिज़ल्ट है, कि एक्सफोलिएशन में, फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में, रिंकल्स को रिड्यूस करने में बेस्ट है एंटी एजिंग के लिहाज से। तो आप लोग इसको लाजमी यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स में। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो आज का सेल लगी हुई है और मैंने सेल में से इसे दोबारा से ऑर्डर किया था, तो इसकी प्राइस जो है 489 रुपीज़ है, आलमोस्ट जो है 500 रुपीज़ बन जाती है। और लेकिन इतनी कम कीमत में जो है ये बहुत बेस्ट सीरम जो है स्पेशली पाकिस्तानी कंपनी दे रही है, और इसके रिज़ल्ट बिल्कुल जो है ऑर्डरी सीरम की तरह से हैं। फ़र्क क्या है कि वो इंटरनेशनल कंपनी है और उनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होते हैं, और ये एक पाकिस्तानी कंपनी, इस वजह से इसको लाजमी प्रमोट करें ओलिव नेचुरल को। और ये कोई जो है आप एडवर्टाइजमेंट ना समझें, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिहाज से बात कर रही हूँ कि रेटिनॉल सीरम जो है बेस्ट एंटी एजिंग जो है सीरम है, स्किन लविंग इंग्रेडिएंट है, और इसे वीक में 2-3 टाइम्स लाजमी यूज़ करें नाइट टाइम में। नेक्स्ट सीरम की जो बात करते हैं हम लोग जी, ये नेक्स्ट सीरम है हमारे पास ग्लूटाथायोन वाइटनिंग सीरम है, और ये आप लोगों को जैसे नज़र आ रहा होगा कि सूथ स्किन रिंकल्स, रिड्यूस मेलानिन प्रोडक्शन, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सन डैमेज, के आप लोग इसे इस तरह से समझ लें कि अगर आप लोगों की स्किन जो है स्पेशली समर में सन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग इसको अपनी इस रूटीन में लाजमी शामिल करें।
वाइटनिंग के लिए जिनको चाहिए, वाइटनिंग पर्पज़ जो लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए ग्लूटाथायोन वाइटनिंग सीरम जो है वो भी बेस्ट सीरम है। इसकी प्राइस भी जो है 489 रुपीज़ है और सेल में है इसकी 489 रुपीज़। वैसे इसकी प्राइस एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, आजकल सेल लगी हुई तो आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं ओलिव नेचुरल की कंपनी से जाके, वरना मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बेस्ट वाइटनिंग सीरम है, आप लोग इसे डे टाइम नाइट टाइम में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। डे टाइम में अगर आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को साथ में सनस्क्रीन कोई सा भी सन ब्लॉक जो है वो लाजमी यूज़ करना। थर्ड और लास्ट सीरम की बात करें तो थर्ड जो सीरम है हमारे पास आ जाता है 10% नियासाइड प्लस जिंक 1% सीरम, और ये भी वाटर बेस्ड सीरम है, वेरी पावरफुल स्किन केयर कम्बिनेशन है। 30 ml की बॉटल है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के ड्रॉबैक था कि इसमें जो आप लोगों को ड्रॉपर नहीं मिलता था, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी और कंपनी इतनी कम प्राइस में कोई भी सीरम नहीं दे रही थी, तो ये जो है बेस्ट रिजल्ट सीरम है जो आप लोगों को इतनी कम प्राइस में मिल रही हैं। तो लेकिन जो अब नई बॉटल्स आ रही हैं उनमें आप लोगों को ड्रॉपर भी अवेलेबल है। नियासिनामाइड जो है अगर किसी को किसी की स्किन को ओपन पोर्स या लार्ज पोर्स का मसला है तो आप लोगों के लिए जो है सीरम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं इसमें, क्योंकि विटामिन बी होता है जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, पोर्स को क्लोज करता है, इसके अलावा जो ब्राइट और बूस्ट करता है हमारे स्किन को ये जो वाटर बेस्ड सीरम नियासिनामाइड जो है, इसके अलावा सॉफ्ट करता है स्किन को, सूथ करता है, प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से, और हाइड्रेट करता है स्किन को। तो ये हाइड्रेशन के लिए बेस्ट सीरम है। हाइलुरोनिक एसिड भी वैसे तो बेस्ट सीरम, लेकिन ये भी हाइड्रेशन के हवाले से ये सीरम भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और स्पेशली ओपन पोर्स के हवाले से। तो अगर आप लोग किसी और प्रोडक्ट का भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग किस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं। अगर आप लोग कोई सी प्रोडक्ट यूज़ करें तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसी लगी, और स्पेशली ये ग्लूटाथायोन 1% रेटिनॉल सीरम, इसके अलावा जो है ये 1% एटिनॉल सीरम और 10% नियासिनामाइड और प्लस 1% जिंक 1% सीरम।